अगर परिवार के सदस्यों के बीच रिश्ते लगातार बिगड़ रहे हैं, घर में अशांति का माहौल फैला हुआ है और हमेशा बिना बात के झगड़ा होता ही रहता है, तो कौन सा पाथ आपको इन मुश्किलों से बाहर निकालेगा, आइए जानते हैं। अमूमन ये हर घर की समस्या बनी हुई है पंडित जी, तो उसके लिए कौन सा पाठ करें? देखो, जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निदाना। कहने का मतलब ये है कि जिस घर का मुखिया निष्पक्ष नहीं होगा, उस घर में कभी शांति हो नहीं सकती। क्योंकि रामायण में लिखा है, मुखिया मुखसो चाहिए खान पान कहु एक, पालहि पोसहि सकल अंग तुलसी सहित विवेक। चाहे घर का मुखिया हो, चाहे राष्ट्र का मुखिया हो, उसको ऐसा चाहिए कि जैसे मुंह में भोजन जाता है और सारे अंगों का पालन पोषण होता है, उसी तरह से मुखिया ऐसा होना चाहिए, जैसे राष्ट्र का मुखिया ऐसा होना चाहिए कि देश के सबसे निचले पायदान पे रहने वाले नागरिक की भी चिंता हो और देश के सबसे ऊपर बैठे हुए शिखर पर बैठे हुए व्यक्ति की भी चिंता हो और बीच के सभी लोगों की चिंता हो। किसके लिए क्या आवश्यक है, उन चीज़ों को वो सावधानी पूर्वक उन्हें उपलब्ध कराए। उसी तरह से घर के मुखिया को चाहिए कि किसकी क्या आवश्यकता है, किसके लिए क्या ज़रूरत है और किसके लिए क्या ज़रूरत नहीं है, इस बात का ध्यान रखते हुए सबका देखभाल करे, तब तो घर में सुख शांति रहेगी। अगर मन में कपट आ गया, छल आ गया, तो परिवार में निश्चित रूप से विवाद होगा, अपयश मिलेगा, रिश्ते खराब होंगे। तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का अपने घर में अगर मास पारायण कराया जाए या अखंड पाठ कराया जाए, रामचरितमानस में 7 कांड हैं और हर कांड का पाठ करने से परिवार में सुख शांति समृद्धि और खुशहाली का वास होता है। जिस घर में समय समय पर रामचरितमानस का अखंड पाठ होता है, उस घर पर हनुमान जी की हमेशा कृपा बनी रहती है। रामचरितमानस के पाठ के अलावा घर में भगवद गीता का पाठ कराने से भी घर में सुख शांति का वास होता है, जीवन से सभी दोष दूर होते हैं। जय मां विंध्यवासिनी।